स्वागत है आप सभी का नवभारती परिवार में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स चैप्टर का ही एक टॉपिक है, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जो डिवीजन एल्गोरिदम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, जैसे कि हमने डिवीजन एल्गोरिदम जो डिवाइड वाला हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा है, डिविडेंड वही होता है ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये होता है हमारा फॉर्मूला है ना। अब अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो ये पॉलिनोमियल के टर्म में क्या होगा ये फॉर्मूला, हम पॉलिनोमियल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं है ना। तो ये किस इस पॉलिनोमियल के लिए किस फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, डिविडेंड क्या होगा एफ ऑफ एक्स होगा, डिवाइजर क्या होगा जी ऑफ एक्स होगा, क्वेश्चन क्या होगा क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर होगा आर ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह से हमें ये डिवीजन एल्गोरिदम में दिए हुए होते हैं पॉलिनोमियल्स। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि आपको एफ एक्स को जीएक्स से डिवाइड करना है, इसका मतलब ये डिविडेंड है, इसको डिवाइड करना है किससे, डिवाइजर से, डिवाइजर क्या होगा एफ एक्स को जीएक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होगा हमारा एफ एक्स और डिवाइजर क्या होगा जीएक्स, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ये होता है पॉलिनोमियल के लिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम एफ एक्स को जीएक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखो अपना सबसे पहला क्वेश्चन, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। पी ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे हमारा, ये हमारा एफ एक्स ही है, हमारा डिविडेंड ही है, देखो ये हमारी डिवीजन एल्गोरिदम थी पॉलिनोमियल्स के लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये डिवीजन एल्गोरिदम थी, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये थी हमारी डिविजन एल्गोरिदम। तो देखो इधर क्या हुआ, पी एक्स क्या है हमारा एफ एक्स ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पी एक्स हमारा डिविडेंट ही होगा, तो अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, पी एक्स को क्यू जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये लिखते हैं एक्स टू पावर टू माइनस एक्स प्लस वन, इधर अपन इधर लिखेंगे अपनी पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स टू पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अब एक चीज नोटिस करो इधर, एक्स टू द पावर फोर, एक्स टू द पावर टू और x टू द पावर वन, ठीक है। अब इधर x टू द पावर थ्री नहीं है, तो हम ये करेंगे x टू द पावर थ्री ऐड कर देंगे, कैसे ऐड करेंगे, प्लस जीरो x टू द पावर थ्री, जीरो x टू द पावर थ्री ऐड कर देंगे, ठीक है, हमें ताकि ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाए। तो हमने x टू द पावर थ्री भी ऐड कर दिया, जिसके आगे हमने जीरो लगा दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले इस चीज को ध्यान देना, जो हमारा डिवाइजर का पहली टर्म है उसको डिविडेंड की पहली टर्म से डिवाइड करना है, एक्स की पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा एक्स की पावर टू, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करा, एक्स की पावर फोर को एक्स की पावर टू से डिवाइड करा, कितना आ जा एक्स की पावर टू, एक्स की पावर टू। अब क्या करना है, एक एक करके इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा क्वेश्चन पे आ गया है ना उसको हमें डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है एक एक करके। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स की पावर टू से एक्स की पावर टू जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा एक्स टू पावर फोर, ठीक है। अब इसके बाद माइनस एक्स जब प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जब वेरिएबल सेम हो, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है एड जाती है, तो माइनस एक्स की पावर वन है, अगर वन और टू कितना होगा थ्री, जब मल्टीप्लाई में होता है और बेस सेम है, बेस क्या है एक्स, बेस सेम है तो पावर कितनी हो जाएगी टू प्लस वन थ्री, माइनस एक्स की पावर थ्री। अब एक्स की पावर थ्री जिसके जहां लिखा हुआ है वहां पे मैं एक्स की पावर थ्री लिखूंगी, माइनस में इधर लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगी माइनस एक्स टू पावर थ्री, ठीक है। अब कौन सी टर्म बची, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बचा वन, तो एक्स स्क्वायर जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना होगा हमें, जो नीचे की तरफ जो नंबर लिखे हुए हैं उनका साइन चेंज कर देना है, अपोजिट साइन लगाना है, जैसे कि एक्स की पावर फोर प्लस का है तो इसके नीचे मैं इसको माइनस का बना दूंगी, तो नीचे बनाना है, ऊपर नहीं लगाना है साइन, नीचे रिप्रेजेंट करना है इसमें कि हमने साइन चेंज किया है और कौन साइन लगाया ये भी रिप्रेजेंट करना है, ये प्लस का है इसमें माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है, ये माइनस का है मैंने इसको प्लस का बना दिया है। अब हम करेंगे इनको कैंसिल आउट, प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स का जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस तो थ्री और वन कितना होगा फोर, फोर एक्स स्क्वायर और साइन किसका आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन आएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है इसका एज इट इज लिख देंगे हम, प्लस फोर एक्स प्लस
फाइव प्लस करेंगे कितना आएगा, प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस आएगा साइन। ध्यान देना जो साइन यहाँ पे है ना नीचे नीचे वाला साइन है, अब वो हो गया उनका साइन, अब ये उनका साइन नहीं रहा, इस चीज को ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जैसे ये माइनस था तो अब इसका साइन प्लस का हो गया, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे ना कि माइनस का, इस चीज में गलती मत करना। अब फिर से वो इस तरह हम यहाँ करेंगे, अब माइनस फोर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, चलो ये नहीं हम इधर से करते हैं, हाइएस्ट पावर से करते तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। एक्स की पावर थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर कितना बचा, एक्स बचा तो कितना आया यहाँ पे प्लस एक्स, प्लस एक्स आया, ठीक है। इसके बाद में हमें करेंगे प्लस एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कितना आएगा एक्स क्यूब, कैसे आया बताती हूँ, एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स की पावर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो एक्स की पावर टू प्लस वन कितना हुआ एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर थ्री आ गया, ठीक है, एक्स की पावर टू प्लस वन एक्स की पावर थ्री आ गया, तो इधर हमने लिख दिया एक्स की पावर थ्री। अगर करेंगे इसको माइनस एक्स को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स मल्टीप्लाई प्लस एक्स कितना हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस एक्स, प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स आएगा, अब साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस का साइन या माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे कितना आएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, बाकी सब कैंसिल हो चुका है। अब वापस से सेम प्रोसेस, वापस से सेम प्रोसेस, इसको इससे डिवाइड करो, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कितना बचा माइनस थ्री, माइनस थ्री बचा, अब माइनस थ्री को एक ही करके तीनों से मल्टीप्लाई करो, सेम प्रोसेस चलेगा सब में, ठीक है, जो फर्स्ट में चला वही सब बाकी सब में प्रोसेस चलेगा, इससे मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस थ्री को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस एक्स कितना आएगा प्लस थ्री एक्स, यहाँ पे लिखेंगे प्लस थ्री एक्स। इसके बाद में माइनस थ्री को जब प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस थ्री, फिर माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस और माइनस थ्री, इनका साइन चेंज करो प्लस माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल और फाइव प्लस थ्री एट। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास क्यू ऑफ एक्स कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, क्यू ऑफ एक्स आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, क्यू ऑफ एक्स क्या है क्वेश्चन, क्या बचाया गया है क्वेश्चन रखना, रिमाइंडर कितना आया है एट, आर ऑफ एक्स कितना है एट। अब इस चीज को हम प्रूफ भी करेंगे, प्रूफ किसे करेंगे, इस वाले थ्योरम से, पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स सॉरी चलो जी एक्स मतलब है क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इस वाली चीज से हम इसे प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, देखो प्रूफ कैसे करते हैं। इक्वेशन दी हुई होती है, किस फॉर्मेट में होती है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में दिया होता है, हमारा डिविडेंड क्या है पी ऑफ एक्स, डिवाइजर क्या है जी ऑफ एक्स, क्वेश्चन क्या है क्यू ऑफ एक्स, रिमाइंडर क्या है आर ऑफ एक्स। अब इन सब की हम वैल्यूज प्लेस कर देंगे, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, पी ऑफ एक्स की जगह एक साइड में हम ले लेते हैं अभी एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस सॉरी आर एच एस ले लेते हैं, आर एच एस ले लिया हमने, आर एच एस क्या है ये वाली साइड, ठीक है ये वाली साइड है आर एच एस, तो अब इसको जी ऑफ एक्स की वाली रखते हैं, इसमें जी ऑफ एक्स क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स क्या आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री हमारा ये आ गया था और प्लस रिमाइंडर क्या था एट। इसे सॉल्व कर लो, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स की पावर फोर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर टू जब एक्स की पावर वन से जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा टू प्लस वन थ्री, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स की पावर थ्री, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स की पावर टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री, ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कैंसिल करके लिखोगे आप इसे खुद करना, जब कैंसिल करके लिखोगे इसको तो आपका लास्ट में आंसर क्या आएगा आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है।
बन भी जाएगा। इसलिए मैं आपको बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम इसे प्रूव करते हैं। आप खुद का ट्राई करके देखना इसको। अब इस तरह से वैल्यूज प्लेस करके इनको मल्टीप्लाई करके आगे भी मल्टीप्लाई करके अपने कैंसिल करके सब्ट्रैक्ट ऐड करके सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमने वेरीफाई कर दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है FX और उसके दो जीरोस पता है हमें, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जीरोस के बारे में। तो जीरोस दिए हुए हैं दो, 5/√3 और -√5/3। हाँ, √5/3। तो हमें ये दो जीरोस दिए हुए हैं, तो हम इसे किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि एक तरह x-5/√5/3, एक तो है x+√5/3, ये प्लस का है, ठीक है। तो ये कोई नंबर है x, उससे प्लस हो रहा है x+√5/3 और एक क्या है माइनस का √5/3। ये हम क्या किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जीरोस क्या है, इन्हीं के फैक्टर्स है। ये जीरो ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जो इसके ही फैक्टर है। तो x-5/3, ठीक है। एक में तो देखो प्लस का √5/3 है, एक में माइनस का √5/3 है, बस हमने एक्स और ऐड कर दिया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये क्यों किया। अब क्या करेंगे, a+b a-b की एंटिटी लग रही है, a² - b² = a+b a-b, तो क्या होगा a² - b² तो a² दिया है यहाँ पे x² - b² कितना है √5/3 - √5/3 कितना जाएगा √5 × √5/√3 × √3। तो कैसे हो गया ये x² - 5/3। रूट में अगर सेम नंबर है और दोनों मल्टीप्लाई है आपस में, तो रूट हट जाता है और नंबर ही रह जाता है। 5/3 और इधर 5/3 आ गया मेरे पास में, ठीक है। तो x-5/3 हमारे पास आ गई है, x-5/3। अब क्या करेंगे अपन, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर रिमूव हो जाए। इस इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर रिमूव हो जाए। अब कैसे करेंगे देखो, मैं इसको अरेंज कर देती हूँ, इसको ध्यान रखना। इसके बाद क्या करेंगे, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, इसमें यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ मैं, मैंने बाकी सारे अरेज करा अभी, मैंने इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लूंगी कितना है 3, तो क्या होगा 3x² - 5। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 × 3x² - 5। मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से अगर इसे लिखे तो देखो, अब ये जो है हमारा 3x² - 5, ये fx का क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा, इससे डिवाइड हो गए क्योंकि ये इसका फैक्टर है। बिकॉज तो ये हमें लाइन लिखेंगे, बिकॉज 3x² - 5 इज अ फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल, सो g(x) = 3x² - 5, ठीक है। यानी कि इसे हम इसे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं, देखो क्या होगा, 3x² - 5 इसको डिवाइड करेंगे हम 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। सेम वही चीज, हाईएस्ट पावर डिवाइड करो 3x⁴ / 3x⁴ फिर कैंसिल x² कैंसिल, तो कितना बचेगा x² बचेगा, तो x² यहाँ पे लिख दूंगी मैं। अब क्या करना है, इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे किस किस से, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा 3x² / x² सेम पावर है, सेम बेस है, सेम पावर है, क्या होगा 3x³ तो इधर लिख देंगे हम 3x³
उसके बाद में देखो माइनस फाइव और एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, तो इसके एक्स स्क्वायर वाले चीज के नीचे हम लिखेंगे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। अब मैं साइन चेंज कर दूंगी, माइनस प्लस, जैसे लाइन खींचेंगे ऐसे, ये कैंसिल हो गया, ये ऐसे फिर नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। अब वही सेम चीज वापस से सिक्स एक्स क्यूब को इससे डिवाइड करो, सिक्स एक्स क्यूब अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बचेगा, थ्री टू से सिक्स होता था कितना बचा टू एक्स, तो प्लस का टू एक्स, प्लस का टू एक्स, ठीक है। अब इसको हम इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू एक्स कितना आएगा, थ्री टू का सिक्स, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर वन, टू प्लस वन थ्री, तो एक्स की पावर थ्री, सिक्स एक्स क्यूब आ गया, सिक्स एक्स क्यूब। अब हम टू एक्स को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, टू फाइव जा टेन, माइनस टेन एक्स, वापस साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, वापस से थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव किससे मल्टीप्लाई हुआ, वन से, वापस से नंबर कैसे आएगा, वन से मल्टीप्लाई होने पे आएगा, हमें मल्टीप्लाई करके कोई नंबर वापस से वही चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वन से करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्लस वन हमारा होगा, जिससे कि हमारे पास ये आ गया, साइन चेंज करके कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया जीरो। अब रिमाइंडर जीरो आ गया, अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, वो दो वैल्यू क्या होंगी, जीरोस। फिर से मैं समझाती हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमें दो जीरोस दिए हुए थे, उसको मैंने एक्स प्लस फाइव पॉइंट रूट थ्री किया था, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं, साइन के अकॉर्डिंग चलना है, समझ में आया। उसके बाद उसका फैक्टर बना लिया था हमने, किस तरह से लिखा था उसको हमने, एक्स प्लस उनको मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ गया था, वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। तो मैंने वन अपॉन थ्री को एलिमिनेट करके इसको फैक्टर बना लिया, इसको फैक्टर बना लिया, उसके बाद हमने इसको उससे डिवाइड किया, फिर हमें क्वेश्चन मिला जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे उसकी, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमें उसके जीरोस पता चल जाएंगे। तो देखो देखो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी है, मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए था जिसको मल्टीप्लाई करने पे वन आए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे वन आए और प्लस करने पे कितना आए टू, तो वन प्लस वन टू और वन मल्टीप्लाई वन की तरह टू। तो इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करके लास्ट में क्या मिला, कॉमन निकाल लिया, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आया, ठीक है। तो एक बार मैं इसको जीरो के डिवाइड में भेज दूंगी और एक बार इस वाले टर्म को जीरो के डिवाइड में भेज दूंगी, तो दो केसेस बन जाएंगे, दो केसेस बन गए, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स में एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस वन और माइनस वन। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल के जीरो निकले वो कौन कौन से हुए, प्लस रूट फाइव अपॉन थ्री, माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री, माइनस वन और माइनस वन, तो ये हमारे रिक्वायर्ड जीरोज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू हैव लाइक्ड इट।